नमस्कार। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद इस चिलचिलाती हुई ठंड में आज ऑटो एक्सपो द मोटर शो 2023 की प्रेस ब्रीफिंग में आने के लिए। मेरा नाम संदीप सुंडली है, मैं डायरेक्टर ट्रेड फेयर्स सियाम, और मेरे साथ हैं हमारे डायरेक्टर जनरल मिस्टर राजेश मेनन सियाम से, और जो हम एक प्रेजेंटेशन आपके लिए लेके आए हैं ऑटो एक्सपो के बारे में, उसके शेड्यूल क्या रहेगा, क्या क्या फैसिलिटी है वगैरह वगैरह, मिस्टर मेनन विल ब्रीफ यू। धन्यवाद। सो आई विल डू अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन ऑन ऑटो एक्सपो। तो शुरुआत में आई विल ट्राई एंड गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री के करंट परफॉर्मेंस क्या है, करंट डेटा पॉइंट्स क्या हैं। उसके बाद उसको मैं कोरिलेट करूँगा कि ऑटो एक्सपो में क्या क्या हो रहा है और कितना बड़ा ऑटो एक्सपो हो रहा है, कौन 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 सी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है और क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। सो विद योर परमिशन कैन आई स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन। $3 billion टर्नओवर, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 6% ऑफ इंडियाज GDP, 35% ऑफ इंडियाज मैनुफैक्चरिंग GDP, 30 मिलियन एम्प्लॉयमेंट, $33 billion US एक्सपोर्ट्स, $7 billion ऑफ FDI एंड रफली 1.79 lakh crore GST कलेक्शन इन ईयर। अप्रैल टू सितंबर डेटा है, उसमें अगर देखेंगे तो अभी भी वो 4.56 lakh दिखा रहा है, विच इज़ मच मोर देन द लास्ट टू ईयर्स बट लोअर देन वॉट वी हैड अप्रैल नवंबर 2018। सो मोटा मोटा हम ये कह रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स में काफ़ी डिमांड दिख रहा है एंड वी विल प्रॉपर्ली डू द हाईएस्ट एवर सेल्स इन PVs, विच इज़ बोथ कार्स एंड SUVs, एंड इन कमर्शियल व्हीकल्स वी आर वेरी क्लोज टू द पीक ईयर ऑफ 18-19, बट स्टिल लोअर देन 18-19, बट वेरी क्लोज टू द पीक ईयर। टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर बेटर देन द लास्ट टू ईयर्स, बट इट इज मच लोअर देन द पास्ट ईयर्स ऑफ 2018 and 2019। And as I said, many people decide on what to buy and what not to buy depending on what is showcased at the motor show. So motor show becomes a very major decision maker for a vehicle, consumer to buy a vehicle. And of course, it's being in the largest showroom, you will find most professionals there to brief you on the vehicle in terms of kuch aapko vehicle ke bare mein jankari chahiye, technical jankari chahiye, they're all present at its best. So this is just an idea of how important auto shows are and how it has emerged going forward. हम लोग दो करते हैं। एक ऑटो एक्सपो का कॉम्पोनेंट शो है जो चल रहा है प्रगति मैदान में 12 से 15 January इन प्रगति मैदान, इट्स अ B2B शो, इट्स ऑन कॉम्पोनेंट्स। और दूसरा शो है ऑटो एक्सपो मोटर शो विच इज़ इन ग्रेटर नोएडा, IEML ग्रेटर नोएडा, विच इज़ फ्रॉम 13 से 18 January एट IEML ग्रेटर नोएडा, विच इज़ वेयर यू विल सी व्हीकल्स, गाड़ियाँ डिस्प्ले वहाँ होती हैं। सो कार्स, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, बसेस एंड ट्रक्स सबके डिस्प्ले मोटर शो में होता है ग्रेटर नोएडा में, और कॉम्पोनेंट शो में सारे कॉम्पोनेंट्स दिखेंगे आपको, वो होगा प्रगति मैदान में। दोनों शोज साइड बाई साइड चलती हैं, 12 से 15 January इज द कॉम्पोनेंट शो एंड 13 से 18 January इज द मोटर शो, बिकॉज़ इट्स अ कंज्यूमर शो। सो मोटर शो का जो थीम है इट्स ऑन इस एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी। सो हम लोग इसमें यू कैन हैव कंज्यूमर्स विल हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज, वेदर इट इज, हमने चार वर्ड्स यूज़ किए हैं स्लाइड के अंदर, सेफर व्हीकल्स, क्लीनर व्हीकल्स, कनेक्टेड व्हीकल्स एंड शेयर्ड व्हीकल्स। तो यू विल फाइंड ऑल दीज फोर टेक्नोलॉजीज इन एबंडेंट डिस्प्ले एट द मोटर शो। सो क्या डिस्प्ले होंगी, कार्स, MUVs, SUVs, वैन्स, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक टू एंड थ्री व्हीलर्स, सम कॉन्सेप्ट व्हीकल्स, विंटेज कार, सुपर कार, सुपर बाइक्स, दिस विल बी ऑन डिस्प्ले एट द मोटर शो। ग्रीव्स कॉटन इज बेसिकली एम्पियर ब्रांड में इनकी गाड़ियाँ आती हैं, टॉर्क मोटर्स, ओकिनावा ऑटोटेक, हीरो इकोटेक, सो एस वॉट विजर्ड, सो ये सारी गाड़ियाँ हैं जो टू एंड थ्री व्हीलर्स हैं, जो प्योर EVs हैं, जो पूरे 100% इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो इन लोगों का, टू एंड थ्री व्हीलर दोनों की डिस्प्ले होगी वहाँ पे एट द एक्सपो। तीन कंपनी ऐसी हैं जो प्योर EV पैसेंजर व्हीकल हैं, वो भी अपनी गाड़ियाँ डिस्प्ले करेंगे, BYD इंडिया, वाइव मोबिलिटी एंड प्रोबैक डायनामिक्स। और तीन ऐसी कंपनियाँ जो प्योर EV हैं जो कमर्शियल व्हीकल भी डिस्प्ले करेंगी, जो ओमेगा साइकी, हेक्साल मोटर्स एंड जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो एंड ऑफ कोर्स नाउ वी आल्सो हैव अतुल ऑटो इज कन्फर्म्ड। सो देयर आर मेनी प्योर EV प्लेयर्स
which has never happened in the past, which is a much higher number than in the past. उसके अलावा ये सारी companies हैं जो technology, tires, charging infrastructure के space में हैं, जो मैंने बताया कि other stakeholders जो show में exhibit करेंगी वो भी participate कर रही हैं. So Benelli India is of course a very prominent two-wheeler maker, वो है. And there are many other smaller companies, even Cummins is participating, Facebook is there. So ये सारे Ralston is there, Jato Dynamics. So Sun Mobility is in the area of battery swapping, they're also displaying Sun Mobility. Scale can happen only once in 2 years, we do once in 2 years. So after considerable thought in companies, we thought the safest place is Delhi NCR because people can come from different portions thing. But we can explore regional shows going forward, yeah. Sir, last year we had diesel cars as well. This time we are having EV cars included. Yeah. Diesel cars are obsolete now. Which cars? Diesel. Diesel cars are obsolete. 70 plus companies, no? 70 plus. I'll give you the exact number, just give me a sec. And how many Indian, how many foreign? That list, I had already shown the list in the presentation, I will share that with you. Okay. And secondly, is there any plan to, you know, you are taking media person from the NCR region? Yeah. What about your station in Chandigarh? From here to yes. So we will explore and we'll see how we can work that out. I think in the past, I think a couple of pages happened. We'll keep that in mind. We'll work that out. 11 तारीख को media launches हैं. Companies will then showcase to the media new launches, global launches. Some of them are global launches, some of them are India specific launches. वो सब 11 को होगा. There will be slots given. हर आधा आधा घंटा they will all have the launches. वो 11 को सिर्फ media entry होगी और किसी को entry नहीं होगी. Media और exhibitors को entry. 12 को inaugural है. 13 से सबको entry मिलेगी. So 11 तारीख को what launches, कौन कौन से launches होंगे, we'll have to wait and watch. Companies will not tell us at this point of time.